टीयर वन में अप्लाई करने से पहले चार मराहिल जिन्हें जानना जरूरी है। अप्लाई कैसे किया जाए, तमाम दरख्वास्तें ऑनलाइन www.pmyp.gov.pk पर वसूल की जाएंगी। इब्तदाई स्क्रीनिंग, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करें, कौमी शनाख्ती कार्ड के इजरा की तारीख दर्ज करें, ड्रॉप डाउन मेन्यू से टीयर वन का इंतखाब करें और प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए एंटर दबाएं। जाती मालूमात, अब पूरा दरखास्त फॉर्म आपके सामने खुला हुआ है। सूद से पाक कर्ज लेने के लिए अपने तजवीज करदा बैंक का माइक्रो फाइनेंस के इदारे का इंतखाब करें। पहले मरहले में आपको तमाम तर्ज जाती मालूमात दर्ज करनी है। अपनी मालूमात दर्ज करें, लेकिन याद रखें कि ये बहुत जरूरी मालूमात है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए पूरी एहतियात से दुरुस्त मालूमात दर्ज करें। तमाम सवाल जिनके साथ स्टेरिक का निशान है उनका जवाब दर्ज करना जरूरी है। अपनी तमाम तफसीलात दर्ज करने के बाद सेव पर क्लिक करें और सबमिट का बटन दबाएं, फिर नेक्स्ट का बटन दबाएं। कारोबार की मालूमात, दूसरा मरहला आपके कारोबार के मालूमात से मुताल्लिक है। निहायत एहतियात से अपने कारोबार की पूरी मालूमात दर्ज करें। अपनी पूरी मालूमात दर्ज करने के बाद सेव का बटन दबाएं और फिर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाएं। कर्ज की तफसील, तीसरा मरहला आपके कर्ज की तफसील के मुताल्लिक है। अपनी पूरी तफसील दर्ज करने के बाद सेव का बटन दबाएं और फिर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाएं। फाइनेंसिंग की तफसील, चौथे मरहले में आपको फाइनेंसिंग की तफसील दर्ज करना होगी। आपने इससे पहले बैंक से कोई लोन अप्लाई किया या नहीं, राय मेहरबानी तमाम मुतालिका दुरुस्त तफसीलात दर्ज करें। अपनी तमाम तर तफसील दर्ज करने के बाद चेक बॉक्सेस को क्लिक करके फराहम करदा मालूमात की तस्दीक करें। आओ कर दिखाएं और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। अप्लाई करने के लिए अभी विजिट करें www.pmyp.gov.pk।